देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व और दशहरे का पर्व, शक्ति की भी पूजा, महिषासुर का भी मर्दन हुआ तो शक्ति का पूजन किया हमने, रावण का वध हुआ तो भगवान श्री राम का पूजन किया हमने। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, महिषासुर कोई और नहीं है, मन का असुर है। ये मन का असुर ही महिषासुर है और रावण कहीं कोई बाहर नहीं है। आज तो ऐसा लग रहा है कि असली रावण नकली रावण को जला रहे हैं। रावण कोई दूसरा थोड़ा ना है जो देश के नैरेटिव घड़ रहे हैं, जो देश के लिए नेगेटिव हो रहे हैं। आज उसी नैरेटिव ही वृत्ति, उसी नेगेटिव वृत्ति को जलाना है, यही रावण का दहन है। वो तो कागज के पुतले हैं, लेकिन यहाँ जो पुतले बन रहे हैं, भारत की अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले पुतले, आज उन पुतलों को जलाना है। इसलिए आज की ये दशहरा पर्व जीत सके जो अखिल विश्व को, उन्हें हराती मन की शंका, बन सकते हो राम स्वयं तुम, जीत सको जो मन की लंका। तो मन की लंका को जीतने के लिए आज हमें एक ही काम करना है, अपने भीतर के रावण को जलाना है, अपने भीतर के रावण को जलाना है। और जब ये रावण जलेगा ना, फिर देश की सुरक्षा और अखंडता को कोई खतरा नहीं है। इसलिए ना किसी से डरना है, ना किसी को डराना है, डटे रहना है अपने देश के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए। और आइए मिलकर भीतर के रावण को जलाएं और दशहरे पर्व को मनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।